कौन सी डॉग ब्रीड फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए सही रहेगी। देखो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसे डॉग ब्रीड्स तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बात बताऊंगा अगर आप लोग उस चीज को समझोगे तो काफी ज्यादा सही रहेगी। कई ऐसे डॉग ओनर होते हैं जिन्होंने बचपन के अंदर डॉग पाला होता है जब वो छोटे होते हैं, तो इसके चलते उन्हें एक्सपीरियंस तो होता है लेकिन वो अपने आप को सेकंड डॉग ओनर समझते हैं, जिसके चलते वो घर के अंदर ऐसी डॉग ब्रीड ले आते हैं जिसके चलते उन्हें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो कि लोग बोलते हैं कि आपको ये डॉग ब्रीड बिल्कुल नहीं पालनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताऊँ, रॉटवाइलर हो गया, आपका पिटबुल हो गया, इस तरीके की डॉग ब्रीड को लोग सही नहीं समझते फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए। लेकिन मैं अगर आप लोगों को बोलूँ ये डॉग ब्रीड सुटेबल भी रह सकती है तो आप लोग क्या कहोगे? शायद कई लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन आपको जो बात बताऊंगा आप उस चीज को समझना। जिस बंदे ने टेक्निकली वो सेकंड टाइम डॉग ओनर है लेकिन उसने अभी तक खुद पर्सनली किसी डॉग को हैंडल नहीं करा, उसकी पहली फैमिली ने हैंडल करा था, अब वो खुद लेके आना चाह रहा है और उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वहीं पे दूसरा बंदा जिसने फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है टेक्निकली लेकिन उसने हर एक चीज सीखी है, तो सेकंड डॉग ओनर वो माना जाएगा जिसने हर चीज समझी है। इस चीज से अगर आप लोग एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं।